हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, यहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर का बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसके में बेसिक हो गया, इसमें जैसे सेल एंड बैटरी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इंडक्टर हो गया, इन सब से, और इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर हो गया और अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर, इन सभी का बहुत अच्छे तरह से जैसे शॉर्ट में रिवीजन कराया गया है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए ज़रूर, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज। तो इसमें देखिए जो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो ये वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। देखिए आपका पावर लेवल जो होता है कांस्टेंट रहता है, पावर फैक्टर जो होता है लोड पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए आंसर नंबर वन इसका सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। देखिए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर होता है क्या नहीं चेंज करता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। देखिए वोल्टेज को चेंज करता है, करंट को उसी के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो नहीं चेंज होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है इसमें इफिशियंसी या पावर ट्रांसफार्मर अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी देखिए, वेल डिजाइन अगर पावर ट्रांसफार्मर है तो उसमें 95% से लेकर 98% तक होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए इन्हें ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे ट्रांसफर होती है। देखिए बाई मैग्नेटिक फ्लक्स से होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स से होती है। देखिए एयर गैप से नहीं होता है, इंसुलेशन तो लगा ही नहीं होता इसमें, तो इंसुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो बाई एयर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से प्राइमरी सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर होती है। इसके बाद देखिए टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर इंडक्टिवली कपल्ड होता है। देखिए इंडक्टिवली कपल्ड होता है, आंसर नंबर 20 का सही है। और देखिए कंडक्टिवली जो होता है ये नहीं कनेक्टेड होता है, कंडक्टिवली मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। और देखिए इसमें जैसे कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका, तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इंडक्टिवली एज वेल एज कंडक्टिवली, बोथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये है, ठीक है। आइए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर एक्शन किस पर रिक्वायर्ड होता है। देखिए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पर होता है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इन द फ्लक्स क्रिएटेड बाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी बाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन। तो कह रहा है कि जो देखिए इसमें फ्लक्स क्रिएट होता है प्राइमरी बाइंडिंग में, वो किससे होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है। तो इसमें देखिए बाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग में अगर करंट फ्लो होगा तो बोथ इंड्यूज ईएमएफ दोनों बाइंडिंग में इंड्यूज होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज है। देखिए ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट पर होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि जैसे देखिए ये हमारा कोर होता है, तो यहाँ से हमारा कोर ये कोर होता है, तो इस पर हम जो फ्लक्स होता है देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ से जो ऐसे जैसे ये हमारा ये कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स पे प्राइमरी बाइंडिंग ये होता है, इधर से आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन मैग्नेटिक पाथ पर रहते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग आप है पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज है कॉमन मैग्नेटिक सर्किट पर रहते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड, आयरन कोर को मतलब आयरन कोर जो हम ट्रांसफार्मर में लगाते हैं तो क्या प्रोवाइड करता है। तो इसे देखिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ये फ्लक्स को आसानी से पाथ फ्लो करने के लिए ये पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलक्टेंस पाथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इफ़ ए डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इन स्टेड ऑफ एसी टू प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर कह रहा है कि देखिए डीसी वोल्टेज अगर हम प्राइमरी एसी जैसे सप्लाई देते हैं, अगर वहाँ पर डीसी सप्लाई दे देते हैं तो इससे क्या हमको मतलब डिसएडवांटेज होगा। तो देखिए इसका जो प्राइमरी है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखिए प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी बर्न, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी बर्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो d∅dt होता है आपका, d∅dt जो होता है ये देखिए ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स में चेंजिंग नहीं कर पाएगा डीसी सप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड केवल वन डायरेक्शन में होता है और कांस्टेंट रहता था, इसलिए ये मतलब उसका फैराडे लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वायलेशन करेगा, तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी बाइंडिंग होगी वो बर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफर करता है। देखिए वोल्टेज और करंट को, पावर जो होता है और फ्रिक्वेंसी, ये आपका कांस्टेंट रहता है, तो वोल्टेज और करंट जो है आपको ट्रांसफर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर एक्साइटिंग करंट विल बी इन फेज ऑफ क्वाड्रेचर विथ इम्प्रेस्ड वोल्टेज प्रोवाइड। कह रहा है इसमें देखिए कि अगर जो हमारा एक्साइटिंग करंट है मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो
वोल्टेज के फेज क्वाड्रेचर में कब होगा, मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री, देखिए जैसे ये है आपका, ये है ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है IM है, इसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। ये क्वाड्रेचर पर कब होगा, देखिए जब हम उसको लीकेज इंपेडेंस ड्रॉप और कोर लॉस दोनों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो ये हमारा ये क्वाड्रेचर पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे देखिए खींचते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा I0 आता है, I0 हो जाता है, तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल अबाउट, मतलब नो लोड पे पावर फैक्टर कितना होता है, तो 0.35 होता है, 0.25 से लेकर 0.35 तक होता है नो लोड पावर फैक्टर। अगर फुल लोड पे आप जाते हैं तो 0.75 या 0.85 तक होता है लैगिंग। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज पुअर ड्यू टू, तो ट्रांसफार्मर में नो लोड पावर फैक्टर जो होता है, नो लोड पे पावर फैक्टर पुअर होता है, क्यों होता है, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कारण होता है। देखिए कोई अगर पावर फैक्टर हमारा जो पुअर होता है वो रिएक्टेंस कारण होता है, अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो बेटर है और आपका कैपेसिटेंस रहेगा तो और मतलब लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, तो ये रिएक्टेंस कारण जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है उसके कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए इफ़ ए ट्रांसफार्मर कोर इन ए ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेक्टेंस पाथ, मटेरियल हैविंग हाई रिलेक्टेंस पाथ बट हैविंग सेम हिस्टेरेसिस लूप इम्प्लाइड, कह रहा है इसमें देखिए कि आपका एक ट्रांसफार्मर कोर है जिसका रिलेक्टेंस पाथ जो है हाई है, रिलेक्टेंस पाथ हाई है लेकिन हिस्टेरेसिस लूप जो बन रहा है वो देखिए सेम है, तो उसमें क्या होगा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है आपका वो इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कोर, फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो क्वेश्चन आता है कि जैसे कि जो EMF निकलता है उसमें कौन सा फ्लक्स इन्वॉल्व करता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, जैसे देखिए रिमेन कांस्टेंट, जो आपका ट्रांसफार्मर कोर होता है वो फ्लक्स हमारा हमेशा लोड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 16 का। इसके बाद 17 नंबर देखते हैं, देखिए म्यूचुअल फ्लक्स इन ए लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वेरीड बाई, तो वेरीड बाई देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो आपका म्यूचुअल फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स को हम कैसे वेरी करा सकते हैं ट्रांसफार्मर में लोडिंग पे है, तो उसको देखिए हम रिलक्टेंस जो होता है सर्किट का रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ को हम वेरी करा के म्यूचुअल फ्लक्स को वेरी करा सकते हैं, तो 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए प्राइमरी क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राइमरी एम्पियर टर्न आर काउंटर बैलेंस बाय द सेकेंडरी MMF से होता है, तो ये तो मतलब बिल्कुल आसान सवाल है, तो सेकेंडरी प्राइमरी MMF जो होता है सेकेंडरी MMF से काउंटर बैलेंस किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इन ए ट्रांसफार्मर डिक्रीज विथ इंक्रीज लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं आप तो आपका सेकेंडरी जो इंड्यूज EMF होता है देखिए वो आपका कम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पावर ट्रांसफार्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डिपेंड अपॉन द, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में किस पर डिपेंड करता है, देखिए मैग्नेटिक कपलिंग, देखिए इसमें मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ये इस पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि ट्रांसफार्मर इज सप्लाई प्योर रेजिस्टिव लोड द पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड अबाउट द 9.95 लैग, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग को इसमें कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर, तो ओपन सर्किट टेस्ट जो हम करते हैं ट्रांसफार्मर में वो क्या मेजर करने के लिए करते हैं, चार ऑप्शन दिया इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप टेलीग्राम का लिंक मतलब यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।